सरकार को क्या लेना देना, नेता मंत्री होते कौन है? चोर उचक्के होते हैं, बेईमान होते हैं। हमारे सामने आत्महत्या करने के सिवा कोई इशारा नहीं। 130 रुपए दिए हैं केवल, ये ओला कंपनी की करतूत है। देख, शिकायतें हमने कर ली, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। ओला ओल कंपनी बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है। यहाँ पे गिग वर्कर है जो हमारे डिलीवरी के जो काम करते हैं, जो ओला उबर में काम करते हैं, उनकी मांगों को लेके हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उनका जो ऐप आईडी ब्लॉक कर देते हैं, एक रेटिंग का सिस्टम होता है, उस रेटिंग पे अगर उनको रेटिंग ना मिले या उनके खिलाफ उस पे कंप्लेंट हो जाती है, तो वो उनकी पक्ष ना सुन के कि वो कंप्लेंट हुई है तो किस बेस पे हुई है, क्यों हुई है, क्लाइंट की तरफ से क्या हुआ था, मेरी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है, वो उनका अपने ड्राइवर की बातें ना सुन के वो सीधे उनकी कंप्लेंट पे ही अपना उनका आईडी ब्लॉक कर देते हैं, जो उनका एक करियर के ऊपर एक धब्बा लगता है या फिर एक आप बोलो कि एक ब्रेक लग जाना। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां गिग कर्मचारियों की प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आप पीछे पोस्टर देख पा रहे होंगे, तमाम जो कंपनियां हैं ओला उबर से लेकर अमेजोन तक के सभी के कर्मचारी यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां मौजूद हैं। कैमरामैन से बोलूंगी कि ये पूरा दिखाए कि ये कैसे यहां पर लोग जो है वो मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन लोगों से हम जानेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और तमाम जो पोस्टर्स लेके बैठी हैं, क्या कुछ मांगे हैं, किस बात की नाराजगी है? हम जो गिग वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, मैं वुमन प्रेसिडेंट और गिग वर्कर्स, और मैं रेफर करती हूँ राजधानी एप ट्रांसपोर्ट यूनियन वर्कर को। और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो पवन कुमार जी, और हमने कई जगह जाके सर्वे किया, गिग वर्कर से बात करी, हमने देखा कि वहाँ पे उन्हें कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले तो उनको टारगेट दिया जाता है कि उनको पर डे 18 पैकेट उनको डिलीवरी करने हैं, लेकिन पर जो एक पैकेट होता है वही उनको एक एक घंटे दो दो घंटे के लिए वेट करके मिलता है, तो ऐसे में वो अपना टारगेट कैसे पूरा करेंगे? सेकेंड, उनको जो कैश पेमेंट होती है, अगर कोई कस्टमर उन्हें कैश पेमेंट देता है तो कैश पेमेंट वो कंपनी बोलती है कि आप अपने पास रखो और अपने अकाउंट से तो देखिए, वो अपना जीएसटी बचाने के लिए वो सारा जो भार है वो हमारे गिग वर्कर्स को देते हैं। तीसरा, उनसे जो ट्रांसपोर्ट दिया जाता है, जो व्हीकल दिया जाता है, स्कूटी या साइकिल, उसका वो पेमेंट लेते हैं, रेंट लेते हैं। जब उनको स्टार्टिंग में भर्ती किया जाता है कंपनी में, तो उनसे 400 रुपए लेते हैं, और उसका एक महीने बाद वो उनसे बोलते हैं कि अब आपको 1800 रुपए या 1100 रुपए पर मंथ पे करना। कोई नियम कानून नहीं है, पूरी तरह से वर्कर्स के शोषण किए जाते हैं। और उनकी जब एंट्री की जाती है तो उनको बोला जाता है कि आपके लिए इंश्योरेंस हम दे रहे हैं, लेकिन उसका वर्कर्स के पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है, कागजी तौर पर कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ जबानी तौर पर कह दिया, करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं, पता नहीं। और इसके साथ साथ उनको जो चार्जिंग पॉइंट दिए जाते हैं, जो उनकी स्कूटी को रिचार्ज की बैटरी रिचार्ज करनी होती है, चार्जिंग पॉइंट पर उनको घंटों तक वेट करी जाती है, क्योंकि 1x1 जिसका नंबर आता है तो काफी लाइन लगी होती है और वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती। ये है जो ये कर्मचारियों की जो तकलीफ जो सुना आपने, ये मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है और पूरी तरह से शोषण की जा रही है। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप, किन मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं? यहाँ पे गिग वर्कर है जो हमारे डिलीवरी के जो काम करते हैं, जो ओला उबर में काम करते हैं, उनकी मांगों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्योंकि बहुत आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी मांगे हैं कि उनका जो ऐप आईडी ब्लॉक कर देते हैं, वो जो कमीशन खाते हैं ऐप वाले, ओला उबर वाले, मेहनत उनकी होती है, कमीशन वो खाते हैं, तो उसको लेके अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या यहाँ पे एक
मांग लिखी हुई है कि कार्ड ब्लॉक एक तरफा कार्रवाई बंद करे, कार्ड ब्लॉक का ये क्या है आप जरा समझाएंगे? कार्ड ब्लॉक का जो जितना मैं समझ पाती हूँ उतना ये है कि ये ओला उबर वाले जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारी बहनें जो गाड़ियाँ चला रही हैं, उनको एक रेटिंग का सिस्टम होता है, उस रेटिंग पे अगर उनको रेटिंग ना मिले या उनके खिलाफ उस पर कंप्लेंट हो जाती है तो वो उनकी पक्ष ना सुन के कि वो कंप्लेंट हुई है तो किस बेस पे हुई है, क्यों हुई है, क्लाइंट की तरफ से क्या हुआ था, मेरी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है, वो उनका अपने ड्राइवरों की बातें ना सुन के वो सीधे उनकी कंप्लेंट पे ही अपना उनका आईडी ब्लॉक कर देते हैं, जो उनका एक करियर के ऊपर एक धब्बा लगता है या फिर एक आप बोलो कि एक ब्रेक लग जाना, काम मिलने में भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आपका एक कैरेक्टर, जैसे अगर हम बोले कि अगर एक व्यक्ति जो 10 सालों से काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है, और अगर एक बार उसका कार्ड ब्लॉक हो जाता है या उसकी आईडी ब्लॉक हो जाती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण लोग सोच लेते हैं कि अगर इसका आईडी ब्लॉक हुआ है तो जरूर इसने ऐसा कुछ किया है कि इसकी आईडी ब्लॉक हो गई है, तो वो उसके करियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है ये आईडी ब्लॉक। जैसा कि अगर हम बैंगलोर में जोमैटो बॉय का अगर उदाहरण ले तो सारी गलती लड़की की थी लेकिन शुरुआत में जो है भुगतना लड़के को पड़ा था। जी, उसमें वही है मैम कि लड़कियों का ये हमारे भारत का ऐसा मानना है या कानून है कि महिलाओं को उनके जो राइट्स है उन महिलाओं की ज्यादा सुनी जाती है, लड़कों को या फिर पुरुषों की बातों को बहुत कम सुना जाता है, भले ही गलती उसके उसको इतना अगर उसको जो टॉर्चर उसको किया गया वो क्यों किया गया, वो एक स्विगी का राइडर था इसलिए, या एक वो ऐसा काम करता है कि जिसकी कोई सम्मान नहीं है, जिसका कोई सही दाम नहीं है, इस वजह से उसको ऐसा ट्रीट किया गया, तो ये एक गलत है तरीका कि आप जो भी हमारे पास जो हमारी सुविधा का सामान हमारे तक पहुंचा रहा है तो उसके सम्मान हमें भी करना चाहिए क्योंकि वो हमारे तक हमारी जरूरत की चीजें पहुंचा रहा है। तो साफ तौर पर आपने सुना कैसे यहाँ पर जो है महिलाओं से लेकर पुरुष हर कोई उपस्थित है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे पोस्टर्स जो हैं वो लिख लिख के लाए गए हैं, या आगे जो है अमेजोन का एक पोस्टर लिखा गया है उसमें कई सारे मांगों को दर्ज किया गया है, काम के घंटे का निर्धारण करना कि 8 घंटे से ज्यादा जो है काम का जो अवधि है काम की अवधि वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कर्मचारियों के लिए सीसीटीवी कैमरे की जो उपलब्धता कराई जाए और उनकी सिक्योरिटी की मांग की जाए, और भी कई सारे लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगी कि गीक बर्गर जो हम ई कॉमर्स में जो भी काम करते हैं, जो मैं वुमेन्स हूँ तो मैं वुमेन्स की उससे बोलूंगी, जितने लड़के काम करते हैं आज के टाइम में उतना ही लड़कियां काम करती है, तो एक गवर्नमेंट को एक लीगली इन कंपनियों पे कानून बनाना चाहिए कि प्रॉपर कमीशन को लेके, आईडी ब्लॉक को लेके, जो पैसे जो ये पेनल्टी को लेके ये सब चीज़ों का काटते हैं, कमीशन बेमतलब में काटते हैं, अपने प्रोडक्ट जबरदस्ती हमें सेल करते हैं, तो उसमें प्रॉपर कानून बनना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि मुझे इस चीज में कानून बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो काफी सारे लोग मौजूद हैं, महिलाओं से लेकर जो है पुरुषों तक की हर किसी की उपस्थिति है, और कई सारी मांगे हैं, पेट्रोल डीजल की जो मांगे हैं वो निर्धारित की जाए, उनकी जो रेट है वो निर्धारण किया जाए, काम के जो घंटे हैं वो निर्धारित किया जाए, और सभी मांगों को लेकर यहाँ पे कई सारे लोग उपस्थित हैं। क्या कुछ कहेंगे आप जो पेट्रोल और डीजल की जो मांगे वो सरकार निर्धारित करे, उसके अकॉर्डिंग किराया निर्धारण किया जाएगा? सरकार ये चीजें नहीं कर रही है, सीएनजी पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वही रेट हमें पहले मिलता था जब 38 रुपए, 42 रुपए, 40 रुपए सीएनजी थी, पेट्रोल 50-60 रुपए था, और आज 80-85 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए सीएनजी हो गई है, और वही 8 का 9 का 7 का रेट अभी हमें मिल रहा है सेडान गाड़ी का। अब क्या करें, हमारे सामने आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, अब क्या करें? कंपनी इस पे काम नहीं कर रही, कोई कंपनी काम नहीं कर रही, कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, मन चाहा कमीशन काटती है, मन चाहा रेट दे रही है। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कल मेरी एक राइड थी और 258 रुपए की राइड थी, और इसमें मुझे 103 रुपए दिए, केवल ओला कंपनी की करती,
देखिए और ओला टोल नहीं देती है हमको, एक बार देने के बाद कोई टैक्स नहीं देती। टोल भी आपको खुद अपने जेब से भरना है? हाँ जी, वो भी नहीं देती हमको। और लोकेशन दिखाती है दूसरी तरफ होकर के, अगर यूपी में होकर के लेके जाते हैं तो हमें न टोल मिलता है न टैक्स मिलता है। आप शिकायत करने की कोई है, कहीं शिकायत कर सकते हैं, कोई कार्रवाई होती है? बहुत शिकायतें हमने कर ली, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। ओला का कोई नंबर नहीं है जिसपे हम शिकायत कर सकें या किसी कस्टमर केयर से बात कर सकें, सारे नंबर बंद कर दिए गए, ऑफिस भी बंद कर दिए गए। बताइए हम किससे शिकायत करें, ये चोर कंपनियां हैं, चोर कंपनियों से कैसे निपटा जाए? वर्किंग और क्या होता है आपको, कितने घंटे काम करने होते हैं? वर्किंग का हमारा कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। 18 घंटे भी काम करना पड़ रहा है, 14 घंटे भी काम करना पड़ रहा है, पर पैसा हमको कुछ नहीं मिला। सुबह से शाम तक गाड़ी अपनी आई डी खोल के रखते हैं, 10-12 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, उनकी मट्टी खराब हो रही है, क्या करें? हमारे पास और कोई चारा नहीं है, और ये सरकार हमारी सुन रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा ओला उबर कंपनी बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है, अगर कोई ड्राइवर के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो कंपनी हमारी आईडी बिल्कुल हमेशा के लिए हटा देती है, कि ये कहते हैं कि ये ड्राइवर हमारा इस कंपनी में काम ही नहीं कर रहा। अभी कुछ वीडियो आई थी, कुछ भाइयों की डेथ हो गई, मार दिया, शीशा तोड़ के फोन चुरा लिए, उसके पास गए जी इसका कुछ आइडिया है? हमारी कुछ नहीं सुनती, जो भी कंपनी सुनती है ओला उबर कस्टमरों की सुनती है। अगर कस्टमर एक कॉल करे तो हमारी आईडी ब्लॉक, अगर हम एक कॉल करे तो हमारा नंबर ही नहीं मिलता। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, पहले लेती थी 20-25%, अब ले दिए 30%, 40%। सबसे बड़ी ये है किसी भी प्रकार की सुरक्षा मिलती है? कोई सुरक्षा नहीं, अगर हम अपनी आवाज उठाए तो हमको ब्लॉक कर दिया जाता है, कि ऑफ रोड के कंपनी में बंदा गाड़ी ही नहीं चलाता। अगर गाड़ी किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त होती है, या जैसे आपने बताया कांच तोड़ के फोन निकाल लिया, कांच टूट, उस गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो किसको भरना पड़ता है? अपने को भरना पड़ता है, कंपनी कोई सुनवाई नहीं है। कस्टमर बोलते भैया इस कस्टमर ने बुक करी थी, उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। अगर हमारा ड्राइवर ड्यूटी पे है, अगर उसके साथ में कोई अनहोनी भी हो जाती है, आजकल फ्रॉड ड्यूटी बहुत डल रही है, और हमारे जन कितने ड्राइवर मौत के घास सुला दिए गए, और जब ओला उबर सुनती है कि भाई तुम्हारा ड्राइवर यहाँ हो गया तो उसको प्लेटफार्म से हटा देती है, बताइए उसका डेटा ही खत्म कर देती है, बताइए हम किससे लड़ें? उसको भी न्याय नहीं मिल पाता है। जब हमको वैसे तो पार्टनर बताती है, हम तो कहीं के भी पार्टनर की बात चलती है, हम उसके मजदूर भी नहीं है, क्या करें? हमारी ये दशा कर दी है, केवल भूखे मरने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्या करें? अब सरकारों से बहुत विनती कर ली, आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, पूरी दिल्ली को नरक बना दिया, पूरा बेकार कर दिया, और ओला उबर कंपनियों से माल आ रहा है, माल खा रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, ड्राइवर मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, मर जाओ उसे कोई फिक्र नहीं है, किसी बात की फिक्र नहीं। किसी ने काम किया, केजरीवाल ने नहीं किया, किसी केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया? कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है, कोई भी सरकार, ओला उबर की मनमानी चल रही है, ओला उबर की खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही कोई सरकार, या केजरीवाल हो या केंद्र सरकार या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई सरकार एक्शन नहीं लेती। अगर हम अपनी कंपनी करते हैं तो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार तो कहती है हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, हम भी तो मजदूर है ओला उबर कंपनी के, हमारा डाटा उड़ा जाता, हमारी कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं हमारी। आपको कोई कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस? कोई इंश्योरेंस नहीं मैम, हमारी कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अगर हम कस्टमर के खिलाफ कोई कंप्लेंट करते हैं, वो कंप्लेंट का कोई नंबर ही नहीं मिलता, उन्होंने कॉल सेंटर का नंबर भी बंद कर दिया है, हमें कोई सुविधा नहीं है। पहले हमसे 20-25% कमीशन लेती थी, आज हमसे 40-35-40% कमीशन लेती है, मनमानी बढ़ते जा रही है, पहले यूपी टैक्स मिलता था, यूपी टैक्स कम दिया, एमसीडी देते हो, एमसीडी भी कम कर दिया, कुछ नहीं मिल रहा मैडम हमें। पहले हम खिलाया, अब खुद खा रही है, वो लूट रही है, कौन चूस रही है, किस तक नहीं निकली मैम हमारी। जी आप किस कंपनी में काम करते हैं और क्या कुछ जो समस्याएं हैं वो? मैडम फिलहाल तो 15-20 दिन हो गया, एक महीना मान लीजिए किसी कंपनी में काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली हूँ। क्यों? काम है कहाँ पे
और काम अगर है तो दूसरे के लिए कमा करके दूसरे को देना, तो काम ना करूं, इससे बढ़िया बाहर कोई दिहाड़ी वाड़ी मिल जाती, गाड़ी तो अपने घर खड़ी कर दी है, दिहाड़ी मिल जाती वो कर लेता हूँ, उससे घर में दाल रोटी मिल जाती है, और अपनी गाड़ी चलाओ तो जितना भी होता है वो दूसरे को देना पड़ता है, तो ऐसे काम चल रहा है। पहले कहाँ काम करते थे और क्या कुछ समस्याएं? समस्या जी ऐसा है, पहले बीच में ओला उबर भी चलाता था, स्टार्टिंग में बहुत साल पहले तो मैंने टैक्सी चलानी शुरू की थी, बीच में आपको पता है मोदी साहब आ गए, मोदी साहब ने सबको बेच दिया, केजरीवाल साहब आ गए उन्होंने सबको बेच दिया, अब कैसे बेच दिया ये भी बता देता हूँ आपको, ऐप बेस्ड कंपनियां आज आप सर्च मारेंगे 1000 मिल जाएंगी, विदेशी कंपनियां सब मिलेंगी, कहते हैं विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ, जबकि स्वदेशी इनका सिर्फ नारा रह गया है, स्वदेशी एक भी कंपनी नहीं है। आज जो इतने सारे ड्राइवर वर्कर जो मर रहे हैं काम के लिए, परेशान है, जहाँ पर हड़ताल दे रहे हैं, इनका काम था अपना काम करना, यहाँ पे रोड पे बैठना नहीं, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ सिस्टम बना लिया है पीछे कि जो कुछ कमाओ दूसरे को दे दो, इन कंपनियों को दे दो, क्योंकि बीच में इन्होंने स्वदेशी एक भी कंपनी रखी नहीं, इंडियन कंपनी कुछ भी नहीं रखा, कोई ऐप नहीं है इनका, क्योंकि और कोई जरिया नहीं रह गया अब इंसान के पास गुलामी करने के अलावा, गुलामी करवा रहे हैं, बहुत मोटा रकम जो पूरे देश से अरबों रुपया हर रोज का इन विदेशी कंपनियों के पास जाता है, ये अपना कुछ हिस्सा सब लोग लेते हैं, सारे नेता लोग और खा जाते हैं, लेकिन देश डूब जा है, आज भारत देश पूरी तरह से सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? सरकार को क्या लेना देना, नेता मंत्री होते कौन है, चोर उचक्के होते हैं, बेईमान होते हैं, इसीलिए आते हैं वो सत्ता का नाम लेकर के कि हम देश की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लेकिन आते हैं सिर्फ चोरी करने, देश को बेचने, गरीब को लूटने, यही है, ये सबूत है आपके सामने, कोई भी ऐसा 1000 ऐप अगर विदेशी है, स्वदेशी 4 ऐप तो होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है, ये सबूत है इस चीज का, इनके चोरों का, चोर बाजारी का, केजरीवाल हो तो लूट रहा है, मोदी सरकार हो, आप पीछे आप देखिए ओला उबर जो आज सब लोग शोर मचा रहे हैं, ओला कंपनी अगर आज कोई प्लास्टिक के चप्पल जूते की फैक्ट्री लगाना चाहे तो 10 साल लग जाता गरीब आदमी को लगाने के लिए, अगर मेहनत से बनाना चाहे, लेकिन एक दलाल जैसे हिंदी भाषा में दलाल कहते हैं, वो दलाल अगर चाहे और मोदी साहब जैसे सरकारों का अगर उनके ऊपर हाथ हो तो वो स्कूटर की, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की कंपनी भी खोल सकता है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी भी खोल सकता है, इतना बड़ा कारोबार भी चला सकता है अरबों रुपए का, और अरबों रुपया लूट भी सकता है, हजारों अरब रुपए लॉकडाउन में खुलेआम भावेश अग्रवाल ने, ओला के मालिक ने लूटे हैं ड्राइवरों से, मोदी साहब को पता नहीं है, मोदी साहब कहते हैं बाहर से काला धन लाएंगे, काला धन लेके अरबों रुपया, हजारों अरब रुपया गोद में बैठ के दूध पी रहा है भावेश अग्रवाल, मोदी साहब को पता नहीं है, ये वही मोदी साहब हैं जो भावेश अग्रवाल के रिक्शे में बैठ करके प्रधानमंत्री होने के बावजूद उसका प्रचार कर रहे थे, एक प्रचार मंत्री बने हुए थे उस चोर का, आज उस चोर ने पूरे देश को लूट लिया, मोदी साहब के कान पे जू नहीं रेंग रही, क्योंकि वो मोदी साहब सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के नहीं, उनका सिर्फ एक ही काम है, गरीब को काटो और रईसों में बांटो, वो तो कहते हैं कि गरीबी देखी है तो इसलिए गरीबों को समझते हैं, गरीबों को देखी है ना, गरीबी देखी है उन्होंने, आगे गरीबी ना देखनी चाहिए, इसीलिए गरीबों को खत्म कर दो। ये जो है साफ तौर पर मजदूरों की कहानी है जो ओला उबर चलाते हैं, जो अमेजन में काम करते हैं, इनकी जो काम करने की जो है अवधि फिक्स नहीं है, कि इन्हें जो टारगेट दिए जाते हैं, आपने सुना कि 18-18 पैकेज की डिलीवरी दी जाती है और एक डिलीवरी को देने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग जाता है, ऐसे में इंसान टारगेट कैसे पूरा करेगा, और जब पूरा नहीं होता टारगेट तो वो कार्ड ब्लॉक कर देते, एक तरफा सुनवाई की जाती है, कर्मचारियों की ना सुनकर एक तरफ की बात सुनी और कार्ड ब्लॉक कर दिया, कार्ड ब्लॉक करने के बाद उन्हें जो है आगे नौकरी पाने में समस्या होती है, ना तो उनको पीएफ का कुछ सहारा है, ना ही उनके पास कोई इंश्योरेंस है, इस तरीके से जो है पूरे मजदूर वर्ग का जो है शोषण हो रहा है, और इसी को लेकर सरकार से गुहार लगाने, सरकार से मांग करनी, ये लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन हरिंदर के साथ ब्यूटी गिरी, जनहितावास।